चल रही है, हम पीछे तक गाड़ी लगाएंगे। हाथों में स्लोगन्स लिखी हुई तख्तियां लेकर निकलती ये छात्राएं किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं निकली हैं। यह छात्राएं उन लोगों को जागरूक करने के लिए निकली हैं जो व्यक्ति अपने घर से थैला लेकर बाजार नहीं जाते हैं। इन छात्राओं ने संदेश देते हुए पॉलिथीन बैन की अपील की है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये छात्राएं किस तरह से लोगों को जागरूक कर रही हैं। हाथों में तख्तियां और कपड़े के बैग लेकर निकली ये छात्राएं दरअसल केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज के आसपास बनी बस्तियों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, पॉलिथीन के नुकसान बता रही हैं, तो वहीं कपड़े से बने हुए थैलों के लाभ भी बता रही हैं। इन छात्राओं ने हाथों से बनाए हुए थैलों को वहां जाकर वितरित किया और लोगों के चेहरे भी इन थैलों को पाकर खिल उठे। इन छात्राओं ने कड़ी मेहनत की है और मेहनत करने के साथ साथ पॉलिथीन बैन का संदेश भी दे रही हैं। इन छात्राओं ने रैली निकालकर उन लोगों से प्लास्टिक यूज न करने की अपील भी की है। वहीं विभागाध्यक्ष सहित विभाग की सभी जो शिक्षिकाएं हैं वह भी इनका साथ देते हुए नजर आईं। बीएड डिपार्टमेंट की यह छात्राएं प्लास्टिक हटाओ भारत बचाओ के नारे के साथ चलकर उन लोगों से प्लास्टिक यूज न करने की अपील कर रही हैं। वहीं छात्राओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला, जैसे उन लोगों को हाथ से बने हुए बैगों को वितरित किया तो छात्राओं के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिली। छात्राओं ने जहां लोगों को जागरूक करते हुए उनसे प्लास्टिक बैन की अपील की, तो इन छात्राओं ने पर्यावरण बचाना है और बाजार में थैला लाना है के नारे के साथ रैली की शुरुआत की। वहीं सभी छात्राओं के साथ साथ प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षिकाओं ने भी इनका हौसला अफजाई करते हुए इन लोगों के साथ भ्रमण किया। कस्बे में भ्रमण के साथ साथ प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ के नारे भी इन छात्राओं ने लगाते हुए एक संदेश दिया। बीएड डिपार्टमेंट की यह छात्राएं लगातार लोगों को समय समय पर जागरूक करती रहती हैं। आज हमारे कॉलेज किशोरी रमण महिला महाविद्यालय मथुरा ने एक बीएड विभाग की तरफ से एक रैली का आयोजन किया है जो कि शिपताल और रजनगर होती हुई जाएगी और वहां के लोगों को वन यूज़ जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि पॉलीथीन हटाइए, प्लास्टिक हटाइए और सभी लोगों को कहेगी कि अपने अपने घर से एक एक थैला लेके जाएं और जो भी सामान लेकर आएं वो थैले में लेकर आएं, क्योंकि प्लास्टिक से हमारे यहाँ पे जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, नालियाँ रुकती जा रही हैं जिससे गंदगी बेशुमार होती जा रही है और इसके लिए कि लोग इसके लिए प्रेरित हों बच्चों ने बहुत सारे थैले बनाए हैं और वो बच्चे उन थैलों को एक एक को देकर भी आएंगे ताकि वो लोग अभी खुद ना खरीद सकें कपड़े के थैले, तो इनका प्रयोग करें और आगे प्रोत्साहित हो सकें। धन्यवाद। धरती पार करो उपकार, आशीर्वाद दो, प्लास्टिक
पीछे थी कहां है? बीच में आ गई है, मैं बीच में आ गई हूं। हां दीदी बोलो, धरती पार करो उपकार, थैला लेकर चलो बाजार।